बेलपत्र, जरा ध्यान देना हो। ये बेलपत्र जो होता है इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो यह समझ लेना कि तुमने महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, आठ महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं, एक महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, दो महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, तीन महीना पूरा हो जाए, चार महीने पूरे हो गए, छह महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है, मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो, जरा लगाती है, बोलते जाओ, जरा लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो, लगाते। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल मस्तक पर, कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको समा, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं, पर अक्षत, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये तीन पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण,
इन तीन पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है। हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई हो, एक पत्र आया है उसको भी ध्यान, इसका वर्णन बताते हैं। मैं गंगा बरोसिया प्रीत नगर भोपाल से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं गंगा बरोसिया प्रीत नगर भोपाल से हूं। एक चावल का दाना और एक लोटा जल, एक बेलपत्र का महत्व क्या है, इस पत्र को आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से एलईडियों पर भी पढ़ सकते हैं। हम जो पत्र पढ़ते हैं वो आप भी अपने आनंद के साथ उस पत्र को पढ़िए। मेरे पति को एक गांठ हो गई, उस गठान का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी आफत कर रही थी। तब शिव जी पर एक चावल का दाना समर्पित करना, एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, 22 दिन के बाद हम उनको चेक कराने के लिए गए तो गठान गल चुकी थी। एक चावल का दाना हमारे सुख का अनुभव करा दे। अगला वर्णन उन्होंने लिखा, गुरुजी बाबा ने एक कृपा तो करी, साथ में मेरे बच्चे के हाथ में सफेद दाग हो गया, तो सफेद दाग हो गया तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाना प्रारंभ करा, आयुर्वेदिक दवाई भी ली पर वो दाग समाप्त नहीं हो रहा था। जब दाग समाप्त नहीं हो रहा था तब शंकर जी के मंदिर में जाकर समी के पत्ते का आपने जो प्रयोग बताया था वो करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से शिवजी का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाना और पूर्णिमा के दिन गाय जो अपने बछड़े को दूध पिलाती है उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर आता है वो शरीर पर लगाना और लगाकर उसको बैठना, उससे मेरे बच्चे के शरीर पर से सफेद दाग पूरा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर,